एक बंदर रोज एक आदमी के घर आता था और दंगा करता था। कभी कपड़े फाड़ देता, कभी बर्तन ढोता, कभी बच्चों को पीटता। उसने खाने पीने की चीजें भी ले ली, लेकिन उसके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन वे बंदरों से परेशान थे। एक दिन घर के कर्ता ने कहा, मैं इस बंदर को पकड़ कर निकाल दूंगा। केवल घाघरी का मुंह खुला रह गया था। सब चले गए। बंदर घर में आया। कुछ देर बाद वह कूद कर बाहर आया। जब उसने दबे हुए घड़े में छोले देखे तो वह वहीं बैठ गया। चना निकालने के लिए उसने जार में हाथ डाला और एक मुट्ठी चना पकड़ लिया, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण हाथ का हत्था बाहर नहीं निकला। इसके लिए उसने जोर से धक्का दिया और कूदने लगा, लेकिन लालची बंदर ने हाथ के चने नहीं छोड़े। फिर नौकर ने बंदर को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। लालची बंदर पकड़ा गया।